गुजरात बीजेपी ने विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद राज्य के नए मुख्यमंत्री के लिए भूपेंद्र पटेल के नाम की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी के प्रबल दावेदार माने जा रहे गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल भले ही आलाकमान के इस फैसले से खुश ना हो, लेकिन उनका कहना है कि वो लोगों के दिलों में रहते हैं और उन्हें वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मेहसाणा में सड़क और सिविल अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुँचे नितिन पटेल ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, वो अकेले नहीं हैं जिनकी बस छूटी है, बल्कि उनके जैसे कई और भी हैं। बता दें कि शनिवार को विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि बहुत जल्द राज्य के डिप्टी सीएम नितिन पटेल को गुजरात की कमान दी जा सकती है। हालांकि रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। माना जा रहा है कि नितिन पटेल इस फैसले से खुश नहीं है। हालांकि नितिन पटेल ने राजनीतिक गलियारों में चल रही इन खबरों का खंडन किया है। बता दें कि विधायक दल की बैठक के बाद भूपेंद्र पटेल जब विजय रूपाणी के साथ राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलने गए थे, उस समय नितिन पटेल उनके साथ नहीं थे। उस समय ऐसी खबरें आ रही थी कि नितिन पटेल आलाकमान के फैसले से खुश नहीं है। मीडिया में चल रही इन खबरों का जवाब देते हुए नितिन पटेल ने कहा है कि मैं अकेला नहीं हूं, और भी कई सारे ऐसे हैं जिनकी बस छूट गई है, इसलिए इसे उस नज़र से ना देखिए। नितिन पटेल ने कहा कि राज्य की कुर्सी पर कौन बैठेगा इसका फैसला विधायक दल की बैठक में होता है और आलाकमान इसका फैसला करती है। लोग बाहर से गलत कयास लगाते रहते हैं। न्यूज डेस्क, रियल फ्लेवर न्यूज़।